स्टूडेंट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम वर्कशीट 4 डिस्कस करेंगे। तो वर्कशीट 4 ये चैप्टर 4 का है, चैप्टर 4 वर्कशीट 4। तो वर्कशीट 4 का जो पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो जैसे मैंने लॉ समझाया था आपको, सारे लॉ तो खत्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 90% लॉ खत्म हो चुके हैं, और जो रिमेनिंग लॉ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट अभी तक जितना लॉ मैंने पढ़ाया है आप सब जाके उसको देख लो, आप अगर लॉ समझ गए तो आराम से ये वर्कशीट 4 समझ पाओगे। तो बिना वो लॉ देखे आप इस वीडियो को मत देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को बिना प्रीवियस वीडियो देखे इसको मत देखो। अगर वो देख लो तब जाके आप वर्कशीट 4 देखो, आप समझ में आएगा, नहीं तो बच्चों कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन है आप जाके पहले वर्कशीट 4 रिलेटेड, जो मैंने एक इंट्रोडक्शन का एक वीडियो डाला था, वर्कशीट 4 का इंट्रोडक्शन आपने आप देखोगे प्लेलिस्ट में होगा, मतलब एक थंबनेल में लिखा होगा वर्कशीट 4 इंट्रोडक्शन, तो उसको पहले देख लो इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन देखने के बाद आप वर्कशीट 1 का पार्ट 1 देखो, वर्कशीट 4 का पार्ट 1 में अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको लॉ समझाया था, यहाँ पर देखो सेम है, बेस सेम है, बीच में क्या डिविजन है, ये बच्चों क्या है जैसे मैंने आपको समझाया था, आप देख लो प्रीवियस वीडियो में एक लॉ पढ़ाया था आपको, देखो आपको दिखा भी देता हूँ क्या पढ़ाया था। देखो ये लॉ 2 का सेकंड बिट क्या था, x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो n बड़ा होना चाहिए, मतलब ये जो n है ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। तो देखो उस फॉर्मेट में है क्वेश्चन, जो भी हम कर रहे हैं क्वेश्चन उस फॉर्मेट में है, यस है। यहाँ पर देखो ये जो n है ये m है या n है, तो देखो यहाँ पर बच्चों n बड़ा है, n का वैल्यू क्या है 19 है, ये 19 या 15 है। तो यह सिंपल से बात है, यहाँ पर ये जो रेड कलर का जो लाइन गिवन है ये ब्लैंक है, ब्लैंक मतलब खाली जगह है। आपको यहाँ पर क्या आंसर होगा आपको यहाँ बताना है, मतलब 16 के ऊपर क्या पावर होगा यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, तो ये किस फॉर्मेट में है, x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला था हमारा, 1 बाय x टू द पावर क्या हो जाएगा n माइनस m, n याद रखो n माइनस m। यहाँ पर मतलब जो हम फॉर्मूला पढ़े थे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, ये हमारा लॉ था। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो n अगर बड़ा होना चाहिए तो हमारा बच्चों क्या लॉ था, x टू द पावर n माइनस m, यही लॉ था हमारा, n के साथ m माइनस होगा, तो यहाँ 19 के साथ 15 माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। समझ में आ रहा है, पहला क्वेश्चन समझाने में इसलिए मैंने टाइम लिया ताकि आप दूसरा जब जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा मैं जल्दी से करूंगा ताकि आप समझ जाओ। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे हुआ, ये n ये बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तब इसको माइनस कर दो यहाँ पर, तो 19 से 15 माइनस करोगे तो आंसर कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ पर होगा 16 टू द पावर 4। अब मैं यहाँ पर जल्दी से करूंगा, अब देखो सिर्फ, अच्छा यहाँ पर बच्चों की बोलो क्या आंसर होगा, यहाँ पर गिवन है 11/22, पावर कितना है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 22 है, मतलब ये क्या है, मैंने कहा था ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या होना चाहिए, ये पार्ट बड़ा होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी जो भी नंबर होगा वो 22 से क्या होगा, यहाँ पर ये छोटा नंबर होगा। तो मुझे बताओ अब हम यहाँ पर क्या, ये जो नंबर क्या है यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये जो 2 यहाँ पर आया, ध्यान से समझो इस चीज़ को, ये जो यहाँ पर 2 आया ये कैसे आया होगा, कैसे आया होगा बोलो, यहाँ पर जो 2 आया होगा जैसे हमारा फॉर्मूला है क्या है एक्स टू द पावर एन माइनस एम, तो हमको तो ये जो 22 है ये कितना है बताओ मुझे पहले, ये जो 20 है ये कितना है, ये 22 जो सॉरी 22 लिखा है यहाँ पर, 22 जो है वो क्या है n है, और यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, m को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, तो ये है x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, n का वैल्यू हमको पता है, हमको m का वैल्यू निकालना है, तो और ये भी हमको पता है ये किसका वैल्यू है, ये जो है 11/22 टू द पावर 2 है। मुझे आप बताओ ये जो 2 है, ध्यान से देखो ये जो 2 है इसका ये इसका फॉर्मेट क्या होगा इसका, n माइनस m, हम अगर n से m को माइनस करेंगे तभी जाके ये 2 आएगा। इसका मतलब कि n माइनस m जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया, अच्छा अब मुझे बताओ हमें किसका वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता है, तो n का वैल्यू यहाँ पर n के जगह नीचे यहाँ 22 लिख दो, माइनस ये m हो गया इक्वल टू 2, तो यहाँ पर बोलो अब m का m के इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको अब ऐसे भी माइनस m का वैल्यू निकालना है हमको, तो माइनस m इक्वल टू कितना हो गया 2-22, तो यहाँ बच्चों माइनस m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 से 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा -20, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो m का वैल्यू हुआ 20।
आप ऐसे भी लीनियर इक्वेशन फॉर्म में करके आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर सिंपल सा बात है, यहाँ पर टू है, मुझे यहाँ पर कौन सा नंबर होना चाहिए, कौन सा नंबर यहाँ अगर मैं लिखूँ तो इसको हम अगर माइनस करेंगे तो ये टू आ जाएगा। ये जो नंबर है यहाँ पर, ये जो नंबर है यहाँ पर छोटा होना चाहिए, मतलब तो इसके साथ ये माइनस होगा। सॉरी, 22 के साथ यहाँ पर कौन सा नंबर मैम माइनस करेंगे तो यहाँ पर टू आ जाएगा। सिंपल सा बात है, अगर यहाँ 22 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए कि आंसर टू आ जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 20 ही होगा ना। समझ में आ गया? इसी मेथड में आप समझो। अगर ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है ये शॉर्टकट हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इक्वेशन का फॉर्मेट में करोगे तो आंसर तभी भी 20 निकलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा सोचो कि यहाँ पर टू है, मुझे यहाँ पर मुझे टू चाहिए, यहाँ पर टू गिवन है, मुझे यहाँ पर टू चाहिए, ये मुझे पता है ये बड़ा होना चाहिए, ये नंबर जो क्या होगा बड़ा होगा, तो इसमें मैं यहाँ पर कौन सा नंबर लिखूंगा कि ताकि माइनस जगह इससे अगर मैं इसको माइनस करूँ, मतलब ये बड़ा है ना, मतलब इससे ये माइनस होगा, ये बड़ा नंबर से इसको माइनस करना है, 20 को माइनस करना है, तो यहाँ पर जो भी नंबर उसको माइनस करना है, तो यहाँ पर जो नंबर होगा इसको उन दोनों को सॉल्व करने से, माइनस करने से टू आना चाहिए, तो यहाँ पर नंबर होगा 20। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर कौन सा नंबर को अगर हम माइनस करेंगे 22 से, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये नंबर मुझे पता नहीं है, यहाँ पर बॉक्स लिख दो, ठीक है, मैं ये नंबर जो है यहाँ पर बॉक्स लिख दो, ठीक है, ऐसा नहीं, आप इसको ऐसे लिखो, हमको ये बड़ा है ना तो इसको बड़ा ऐसे लिखो, बड़ा पहले होगा ना, 22 बड़ा है, तो 22 माइनस 22 में अगर हम क्या माइनस करेंगे कि आंसर टू आ जाएगा बच्चों। 22 में, मतलब ये 22 ये बड़ा है, 22 में क्या माइनस करोगे तो टू आ जाएगा, तो 22 में टू माइनस करने से टू आ गया, कैसे पता, जो 22 में 20 माइनस करो तो टू आ जाएगा, कैसे पता चला, मैं 22 को हमने टू से क्या कर दिया, यहाँ पर 22 को हमने माइनस किया टू से, तो 22 माइनस टू करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा आंसर। आप ऐसे भी सोच सकते हो। आई थिंक आपको समझ में, आपको तीन मेथड मैंने आपको बता दिया, एक इक्वेशन मेथड, एक डायरेक्ट एक जो फॉर्मूला है इसको आप देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा यहाँ पर 20 होगा। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर समझो, ठीक है, समझ में आ रहा है? आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ समझाया कि 22 ये बड़ा है, 22 में क्या माइनस करोगे, क्या माइनस हम करेंगे कि टू आ जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बिट 3। तो यहाँ पर गिवन है 1/3 का स्क्वायर, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर गिवन है 1/3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या कौन सा नंबर होने से ये 1/3/6 हो जाएगा। तो देखो ये जो 1/3 का, यहाँ 3 का जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ पर जो ये जो पावर 2 है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पावर 6 करना है, तो मैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर, ये जो 3 पावर है वो 3 पावर 1 के ऊपर भी होगा, ये जो 3 पावर है वो 2 के ऊपर भी है, ठीक है, तो ये 3 पावर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो 1/3 वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, बट यहाँ पर 3 के स्क्वायर के ऊपर अगर पावर 3 लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 to the power 6, तो ये हमको चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू कितना होगा 3, यहाँ पावर होगा 3। उसके बाद यहाँ पर देखो -1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 to the power 4 है, उसके बाद होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर बेस -1/2, तो इसको हमको पावर के ऊपर पावर गिवन है, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आंसर कितना यहाँ पर होगा, 8 होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ये भी सेम बेस है, देखो यहाँ पर बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, बेस सेम है और यहाँ पर डिवीजन है, ठीक है, इंटू होता है तो पावर प्लस हो जाता, अब यहाँ पर डिवीजन है तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर मैंने 0 लिखा है। फिर यहाँ पर -1/7 to the power 0, उसके बाद पावर, यहाँ पर पावर है 7, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 0 × 7 कितना हो जाता है, 0, पावर के ऊपर पावर होने से ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 0 × 7 आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।